ओम शांति पावन होकर ही घर जाना है लेकिन तरीके दो हैं एक है याद से पावन होना प्यार से पावन होना कहना मान के कार्य करना एक है सजाएं खाना क्योंकि तो सजा खाने का अर्थ ये है कि रियलाइजेशन जो इतनी कड़ी होगी कि व्यक्ति कुछ कर नहीं सकेगा जैसे अभी भी आप देखते हो किसी को कोई समस्या आ जाती है तो वो अपना पीछे का सारा रिकॉल करता है कोई क्या पता नहीं क्या मैंने ऐसे कर्म किए हैं वो उसको दोहराता है कोई भी ऐसी विपता आ जाती है जो उसके ऊपर ग्रहण की तरह लग जाती है तो वो दोहराता है कोई परिस्थिति आ जाती है कोई व्याधि आ जाती है जिसमें उसके पास सहन करने की शक्ति नहीं होती है तो वो दोहराता है कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो मुझे ये सब देखना पड़ा वो जो रियलाइजेशन है वो जो महसूसता है उसमें क्या है सजाएं हैं और जब ये सजा मिलती है ना तो सब बारी बारी ही लगता है कुछ अच्छा नहीं हल्कापन तो होता ही नहीं है इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों पर ध्यान दे भगवान का कहना माने कर्म सुधारें आज से ही अगर शुरुआत कर दे तो भी अच्छा बाबा तो इतने समय से सुना रहा है समय वैसे ही कम है और रियलाइजेशन हो नहीं रही है मैसूसता आ नहीं रही है तो सोचो क्या हाल होगा अभी कहीं किस चीज के पिछाड़ी लगे हैं, कहीं किस चीज के पिछाड़ी प्राप्ति कुछ भी नहीं दुखी है परेशान है हताश है सुख चैन है नहीं सोचे ये सजाई ही है और है क्या रियलाइज भी कर रहे हैं कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए पर पुरुषार्थ की पटरी पर उतर ही नहीं पाते मालूम है सब कुछ क्योंकि इतना समय से सुनते हैं तो ये तो पता पुरुषार्थ क्या करना है मुझे नहीं पता इतने समय से सुनते आए ये तो मालूम है कि क्या पुरुषार्थ करना है पर कर नहीं पा रहे हैं ये सजाई ही है ये क्या है सजाई है इसलिए भगवान का कहना मानना सीखें तब तो कुछ भला हो